एक वर्ल्ड न्यूज़ है जिसमें जर्मनी माफ़ी मांगा है, नामीबिया आप एक देश का नाम सुनने को से जर्मनी मांगी माफ़ी मांगा। एक आर्टिकल है द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर अमेरिका का न्यूज़पेपर का, उसी में छपा है और ये पेपर में विदेशी अखबार से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रवांडा का दौरा किया ताकि वो उस बात के लिए माफ़ी मांगे कि 1994 में जब वहाँ नरसंहार हुआ तब फ्रांस हस्तक्षेप करने में नाकाम रहा। रवांडन जेनोसाइड के बारे में आपको पता है, मतलब आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में कि कितने हाई लेवल पे नरसंहार और कितने कैजुअल्टीज हुई थी, अनबिलीवेबल है। आप पढ़ सकते हैं उसके अलावा रवांडन जेनोसाइड करके, उसी के लिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो माफ़ी मांगे हैं कि वो एक तरह से नाकाम रहे। इसके अगले दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली मूल के कनाडाई लोगों को बंदी बनाए जाने के लिए एक माफ़ीनामा लिखा। और अब जर्मनी ने 100 साल पहले अपने औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा नामीबिया में किए गए जुर्म और नरसंहार के लिए माफ़ी मांगा है। जर्मनी के विदेश मंत्री हेको मास ने कहा है कि हम उन घटनाओं को आज के नज़रिए से नरसंहार ही कहेंगे। ऐसा लगता है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय क्षमा याचना असाधारण से अनिवार्य घटना बन गई है। इन देशों के संबंध में एक सुखद मोड़ के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। इन क्षमा याचनाओं को उस बिंदु के रूप में भी रेखांकित किया जा सकता है जहां कोई समाज व व्यक्ति खुद को परिभाषित करता है। इसलिए ये माफ़ी इतिहास की कृतियों को लेकर मुश्किल सवाल भी खड़े करती है और पुल बनाने की जरूरत भी बताती है, जो अमेरिकी कवियत्री कैरोलिन फोर्ज के शब्दों में निजी व राजनीति का परस्पर विशेष क्षेत्र है। लगभग एक दशक की औपनिवेशिक बातचीत और औपचारिक समझौतों के मुताबिक उस नरसंहार के आर्थिक परिणामों के मद्देनज़र जर्मनी अगले 30 वर्षों के नामीबिया के उन इलाकों को विभिन्न विकास परियोजनाओं पर $1.3 बिलियन खर्च करेगा। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। रिलेशन को सुधारिए, जो पहले गलतियाँ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगिए और आगे बढ़िए। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लिंकिंग बढ़ाइए, हर एक देश को दूसरे से जोड़ना है, क्योंकि दिस इज अ पीरियड ऑफ बिजनेस, हार्ड कोर बिजनेस। तो बिजनेस तो कनेक्शन चाहिए, लिंकिंग चाहिए, पिछली गलतियों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। जर्मनी सही कर रहा है। 1.3 बिलियन इज गोइंग टू जर्मनी, इज गोइंग टू स्पेन और नामीबिया, उन एरिया जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे उस समय जेनोसाइड के समय। जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर इस साल के अंत में नामीबिया सांसद के संबोधन के दौरान औपचारिक रूप से क्षमा याचना की योजना बनाए गई, अच्छी बात है। सदर्न ओरेगन यूनिवर्सिटी के भाषा विज्ञानी एडविन बतिस्टेला ने लिखा है कि राष्ट्रीय माफ़ी बदले हुए मूल्यों की स्थापना के साथ साथ अतीत के आचरण की भर्त्सना करती है और भविष्य में बेहतर व्यवहार की प्रतिबद्धता जताती है। बिल्कुल वो गलती फिर से आप न रिपीट करें। जर्मनी और नामीबिया ने अतीत की पीड़ा से परे एक रोड मैप सामने रखा है, या कितनी ईमानदार कोशिश से इसे जानने के लिए इंतजार करना हुआ, पर इससे गुड मूव, यह बहुत सही है। पिछली गलतियों को माफ छोड़ें और आगे बढ़ें, माफ़ी मांगें और बिजनेस को बढ़ाएं, उन इजाज में जो मिस्ट्री को फिर से बढ़ाएं, बिजनेस को और बढ़ाएं, ताकि उस देश का भी भला हो और आपको भी अच्छा ऐसा लगे कि आपको सही कर रहे हैं, अपनी गलतियों को कि भूल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और भूल के लिए तरह से आप क्षमा मांग रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन।